नमस्कार, एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ प्रमुख खबरें। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 40,000 से ज्यादा हुई। कनाडा में मीसी सागा में राम मंदिर के बाहर लिखे गए भारत विरोधी नारे। विदेश मंत्री जयशंकर ने फिजी के राष्ट्रपति के साथ विश्व हिंदी सम्मेलन में डाक टिकट जारी किया। बिहार में आईएएस अधिकारियों का तबादला, 7 नए आईएएस की मिली पोस्टिंग। बीबीसी के मुंबई ऑफिस में भी आईटी की रेड जारी, कल सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी छापेमारी। मुंबई में ऑटो रिक्शा में आरटीएक्स बताने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के नांगलोई इलाके में 25 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या। कोयंबटूर कार ब्लास्ट, तमिलनाडु कर्नाटक और केरल में 60 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।